मुबारक हो जमुना। ढेरों बधाइयां। मैं तो खूबचंद भैया से बड़ा नेक लूंगी। बधाई हो जमुना, डिलीवरी एकदम ठीक ठाक हो गई। हाँ, तुम्हारे बच्चे का वजन जरा कम है। देखो, बिल्कुल मत घबराओ। ऐसा होता है, तुम्हारा बच्चा समय से 2 हफ्ते पहले आ गया ना, बस इसीलिए। कितना वजन है डॉक्टर साहब? लगभग 2 किलो। जमुना को यहाँ FRU अस्पताल में अभी कम से कम 48 घंटे और ठहरना होगा, तो आप लोग तो सभी तैयारियां करके आए होंगे। जी। हाय, कितना प्यारा बच्चा है, एकदम कृष्ण मुरारी। बच्चे के जन्म के आधे घंटे बाद ये जो माँ का पीला गाढ़ा दूध होता है ना, ये बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार होता है। इसे मालूम है डॉक्टर साहब। अब आप बाहर जाइए, माँ को बच्चे को दूध पिलाना है। मैं जाता हूँ। भाभी, तुम यहीं रुकोगी, राजपुरा नहीं जाओगी? आप भैया थोड़ी देर बाहर इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने शरीर के साथ लगा के रखना है। इसे तुम्हारे शरीर की गर्मी मिलती रहनी चाहिए, जो सिर्फ तुम्हारे शरीर से मिलेगी। अभी कम से कम बच्चे को 3 दिन नहलाना नहीं है, ठीक है? आप जरा मेरे साथ आइए। देखिए, बच्चा समय से पहले हुआ है और माँ के शरीर में भी खून की कमी है, इसलिए इन दोनों को अभी 2 दिन इसी हॉस्पिटल में रहना होगा। तो 2 दिन रहने के लिए जो भी तैयारियां करनी होती हैं आप कर लीजिए। जी। तुम्हारे बापू तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे, और देखना, तुम्हारे आने के बाद सब ठीक हो जाएगा फिर से। जमुना, मैं जाती हूँ। अब अपना और मेरे भतीजे का ख्याल रखना। एक दो दिन के बाद मिलेंगे। तुम यहाँ तक आई, तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? वो सब छोड़, बस अपना और इसका ख्याल रखना। जब राजपुर आएगी तो बहुत सारी बातें करेंगे। अच्छा, माफ कीजिएगा बहू जी, आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी इसलिए आना पड़ा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम जानते हैं आपको बहुत नुकसान हुआ है, लाखों का फिर। अरे शम्मू भैया, हिसाब लगा कर देखा है, नुकसान लाखों का नहीं करोड़ों का हुआ है। खूब चंद तो हम सबको बर्बाद कर गया। वो सब छोड़ो रघु जी, तुम बताओ शंभू, हमसे क्या कहना चाहते हो? बस इतना कि वो हमारी फसल, उसके पैसों का क्या होगा? थोड़ा समय दे दो भैया, कुछ ठंडे दिमाग से सोच विचार कर ले।
हम खुद बहुत परेशान हैं बहूजी, हमेशा आपके कहने पे चलते आए और आज भी आप ही से सलाह लेने आए। क्या करें, जब से ये खबर सुनी है दिमाग बोरा सा गया है हमारा, और ऊपर से एक नई खबर और आई है। अरे वो खूबचंद है ना, उसको पुलिस ने जमानत पर रिहा कर दिया है। सुनने में आया है कि बड़े घर ने दखल दी है और मंगत ने कोई नया खेल खेला है। खाने पीने का झंझट ना करती तो अच्छा था, फाजी अस्पताल जल्दी पहुंचना है। हाँ और बोलो, अब तुम्हें क्या अस्पताल भूखे पेट जाने दूँ? अब बबीता से ये नहीं होगा, और जीजी सुनेंगी तो क्या कहेंगी, चचेरी हूँ पर सगो से सगी हूँ। बबीता तुम समझती नहीं हो, जल्दी पहुंचना है। जल्दी किस बात की, वैसे भी जीजी को देखने के लिए बहुत से लोग हैं वहाँ पर। बद्री भैया तो अब भी वहीं हैं, उनकी अम्मा बता रही थी। क्या बता रही? यही कि कह के गया था पहुंचाकर लौट आऊंगा, पर अब तक नहीं लौटा। मैं तो कहती हूँ आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए फिर चले जाना। बद्री तो है ही ऐसा, इसकी आदत है हर जगह अपनी नाक घुसेड़ने की, अपना घर तो संभालता नहीं है, चला है दूसरे की जोरू की सेवा करने। कुछ नहीं हुआ तो जाके माया से गाड़ी मांग रहा है, मिलने तो बताता हूँ मैं इसको। अरे उस पर क्यों बिगड़ते हो जीजा जी, वो तो शुक्र मनाओ। मैं तो कहती हूँ बखत रहते जीजी एफआरयू अस्पताल तो पहुँच गई। अरे आपने खाना क्यों छोड़ दिया, चावल और दूं क्या? नहीं मेरा हो गया। वैसे बद्री भैया बहुत जिम्मेदार आदमी है। वो कैसे? अरे पूछो मत, मारे दर्द के जीजी से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैंने संभालने की कोशिश की पर वो तो बद्री भैया ने झट से बाहों में संभाल लिया, किरने भी नहीं दिया। क्या क्या क्या, अब यहाँ पर अस्पताल की तरह कोई पहिए वाली खाट तो है नहीं जो हम जीजी को ले जाते। अब जब जीजी चल ना पाई तो बद्री भैया उन्हें गोद में उठाकर बाहर गाड़ी तक ले गए। और तो और बोले जब तक वो है जमुना भाभी पर एक आंच तक नहीं आने देंगे। वैसे बड़ा फिल्मी स्टाइल था उनका। अरे मैं तो कहती हूँ तुमको उनका एहसान मानना चाहिए। गॉड, कहाँ चला गया? इसे तो नहीं ढूंढ रही मिताली।
क्यों बद्री भैया, अब तक यहीं पड़े हो? घर बार सब त्याग दिया क्या? चोर कब कहता है खूबचंद कि चोरी उसने की है? अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।